नमस्कार प्रिय दर्शकों, जीवन में अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। दर्शकों, इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बनाती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। उतार चढ़ाव बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की कदर हमेशा करो। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, औरों की तो शर्तें ही बहुत है। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे आदमी को छोड़ा महसूस न होने दे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन हमें अपना भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। गुरूर किस बात का करते हो, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे रहो, बस उनसे दूर रहो। सफल इंसान वही है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता हो। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब ठोकरें खा कर भी ना गिरो तो समझ लेना कि दुआओं ने थाम रखा है। हर किसी के लिए दुआ करा करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज्यादा कामयाब हो। मैं इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज्यादा की हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का कभी पता नहीं चलता। दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दो। सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन सबसे आगे वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। खुद से ज्यादा किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना और खिलाफ हो तो सब्र रखना। ऐसे इंसानों से होशियार रहिए जो सुनते कुछ हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर गुनाह नहीं। पर हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी नहीं। एहसान लेना भी हो तो किसी ऐसे इंसान से लो जिसकी जताने की आदत ना हो, वरना एहसान का बोझ कर्ज के बोझ से भारी हो जाएगा। वक्त ने जरा सी करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया। दीवारें है बूढ़ी टपकती है छत भी, मगर है सुकून अपने ही घर में। सबसे महंगी चीज है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरे संसार की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदि मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छोड़ते हैं
तो इंसान बिखर जाता है। टूटकर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज्यादा दूसरों पर एतबार करते हैं। अगर दूसरों को देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की। किसी से कहना न पड़े कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें, बल्कि ऐसे काम कर जाओ कि सबके दिलों से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकले। हजार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हैं तो किसी की एक गलती के लिए उससे नफरत क्यों करने लग जाते हैं? लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार हैं। मौत सिर्फ तब नहीं आती जब इंसान मरता है, मौत तो तब भी आती है जब एहसास मरता है। बिना एहसास के जिंदा इंसान का भी क्या वजूद? जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका अंजाम ऐसे छुपा होता है जैसे बीज के अंदर पे। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरे मत रहो, क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। भूखा पेट खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सक्सेस मिलती है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का बनाते हैं। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। सच कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होंठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ ना देना मेरे ईश्वर, क्योंकि रोशनी भी अगर जरूरत से ज्यादा हो इंसान को अंधा बना देती है। इज्जत किसी आदमी की नहीं जरूरत की होती है, जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरा बन जाओ। अच्छे तो सभी होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका जमीर होता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है,
अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। बारिश और हवा अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और अगर इंसान हद से आगे बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। सादगी में ही सुंदरता है, जो चीज सादी है वही सत्य के नजदीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने आया है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, जब ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। ये तो बेजान चीजें हैं साहब, जब ये एक सत्य है तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा एक मिनट अमल ले 10 मिनट बचा सकता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो वो ही मुर्दा है, अरे जिसमें इंसानियत ही न हो वो कौन सा जिंदा है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है आप खुद। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल सकती हैं। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लेता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अपने रब के जिक्र से शुरू होती है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। अपनी जिंदगी हो को ऐसे जियो कि भगवान को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज बदलती रहती है। नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपए के लिए इंसान गिर चुका है। अपने हमसफर से अपने जैसा बनने के लिए मत कहो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर नहीं चल सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो, जवाब देने का वक्त वक्त को दे दो। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह बुरे हैं, इसका मतलब यह है कि वह भी इंसान है। अच्छे रिश्ते को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ दो लोग चाहिए जिनमें एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गुरूर को टूटने मत देना। अगर तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा कहे, इस बात से बहुत अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहे। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। वक्त गहरे समुद्र में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। मोहब्बत और दोस्ती, यह दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वह है गलतफहमी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। समय और सब दोनों का उपयोग कभी भी लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों कभी वापस नहीं आते और नहीं मौका देते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो लेकिन जुबान अगर कड़वी हो तो मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता मुंह की सुंदरता से कहीं ज्यादा है।
शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। जिंदगी को खुलकर जीने का एक उसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद करें और कुछ बुरा भूल जाएं। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोंच आती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अपने लफ्जों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि यह आपकी परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो शब्द के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से अर्थ। मिजाज में थोड़ी लाजमी जरूरी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर भी औकात दिखा देता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की किसी की औकात नहीं होती। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी को समझे। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। वहां मत जाओ जहां रास्ता ले जाए, बल्कि वहां जाइए जहां कोई रास्ता ना हो, और वहां अपने निशान छोड़ जाइए। किसी ने ईश्वर से पूछा, इंसानों में आपके सबसे नजदीक कौन है? पता है ईश्वर ने क्या कहा? हर वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो, फिर भी वो माफ कर दे। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल से होती है शब्दों से नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है दिल से नहीं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर ईश्वर की नजर होती है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहिए, एक तो मगरूर और दूसरे मसरूफ। मगरूर अपनी मर्जी से बात करते हैं और मसरूफ अपने मतलब से याद करते हैं। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है, खुशी में तो अक्सर वो सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। ईश्वर पे भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। बड़ा मालिक बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, हमेशा खुश रहोगे। आपका तो सिर्फ नाम बदनाम है, यहाँ तो लोग एक दूसरे से जलते हैं। खाने में गए जहर का इलाज मुमकिन है, पर कान में गए शहर का कोई इलाज नहीं। अगर जीवन की राहों में कांटे बोते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें लहूलुहान हो जाएंगी। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है,
जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हंसती पलकों के नीचे गम भी पला करते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। ताम्र बस एक सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। शिकायतें मत करो कि यह नहीं मिला वह नहीं मिला, इस कायनात में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको उसे ढूंढना है। उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही, कायनात खुद उसे लेकर कई गुना तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगी। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। आपको सच्चे दिल से चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेगा। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रहोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसे को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। जन्मों जन्मों से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वालों को आपसे काम पड़ना चाहिए। अपनी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हारकर आपको जिताया। यदि जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, इसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में शब्द का उपयोग करना चाहिए। दुनिया में दो सबसे ज्यादा असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठे पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। मेरी मंजिल मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर चीजों को नजरअंदाज कर ही देते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत सोचना वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचिए उसे आप पर विश्वास कितना है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सिखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की है वसीयत सबको अच्छी लगती है।
कुछ घर की जिम्मेदारियां उड़ा देती हैं, नींदें, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही चीज आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख है दोस्त वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी जियत खराब हो। लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ ना पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। गलत जज्बात पर काबू पाए इससे पहले कि वो आप पर काबू पा ले। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। दुआ का रंग नहीं मगर ये रंग ले आती हैं। खुश में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि जहां आपको लगे कि आपके लिए जगह नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लो। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाते हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। उंगलियां ही निभा रही है रिश्तों को आजकल, जुबान को अब निभाने में बहुत तकलीफ होती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। कुछ लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, वह सिर्फ यह देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक जा सकते हैं। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। तीन इंसान तीन चीजों से हमेशा महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। किसी के बुरा कहने से हम बुरा नहीं हो जाते और ना ही अच्छे। अपनों को अपने होने का हमेशा एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। जिंदगी के तीन उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर एक बार करता है। किसी ने अपने ईश्वर से पूछा, कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या करें, तो ईश्वर का जवाब आया,
कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो कभी अपना नहीं होता। औरत तब बर्बाद होना शुरू होती है जब उसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा हो। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। मदद करना एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना सीखो, और जो पसंद हो उसका इंतजार करना सीखो। दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहते हैं। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने दोस्त को उतने ही राज बताओ कि कल अगर वो किसी वजह से तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो वो चाहकर भी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मुझे ताज्जुब है उस इंसान पर जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है, और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। जो बहुत अच्छा लगे उससे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो। क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजें दुआओं से भी मिला करती हैं। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया है। जिंदगी तो सस्ती ही होती है, बस गुजारने के तरीके नहीं होते हैं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। खिले हुए फूल और मुस्कुराते हुए चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। नियत कितनी भी अच्छी हो दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा खुदा तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर से एक कदम नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। यह कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी दुआओं को फौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सजा फौरन क्यों नहीं देता। जो तुमको खुशी में याद आए तो समझो तुम उसको मोहब्बत करते हो, और जो तुमको गम में याद आए समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। बबूल का बीज बोने से कभी आम का फल नहीं मिलता, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। छल करना खुद के लिए घातक है, जो छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पाव में चुभता है। किसी को खुश देखकर आप खुश होते हैं तो आप यकीनन बहुत खूबसूरत इंसान हैं। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती है, उन्हें पीठ पर लाद लोगे तो पीठ टूट जाएगी, उन्हें तो अपनी राहों में बिछाते चलो और सफलता की राहें बनाते चलो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी मौजूदगी में कहे गए हो, बल्कि आपका सम्मान तो उन शब्दों में है जो आपकी गैर मौजूदगी में कहे गए हो। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, शिकवे कितने भी हो पर हर पल हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। लोग अक्सर नम्र लहजों में इतनी सख्त बात कहे जाते हैं
कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। हमारा यकीन कमजोर है, ईश्वर के वादे तो सच है। ईश्वर का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने ईश्वर का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, पेड़ या चाहे कुछ भी, कयामत के दिन गवाही देगी। अपने कमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। अगर तुम्हारी वजह से कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखना तुम जालिमों में से हो। बहुत से रिश्तों के खत्म होने की वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। अगर आपका दिल कभी बिना वजह बेसुकून हो जाए तो जान लेना कि आपकी रूह ईश्वर का जिक्र मांग रही है। जब अपना दर्द शब्दों में बयान ना कर पाओ तो रो लिया करो, ईश्वर तो सब कुछ जानता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसमें वही लोग रहे जो इसमें रहने के काबिल हैं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामियां नजर आने लगती हैं। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मिट्टी में दफन हो जाते हैं, अगर उन बातों पर मिट्टी डाल दी जाए तो ये नौबत ही ना आए। जिंदगी में अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले। जुबान दरिंदा है, अगर इसे आजाद छोड़ दोगे तो जख्मी कर देगी। किसी के जज्बात को इतनी गहरी चोट मत पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ ही हो। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वाले तलाश करो, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। झांकने की सही जगह अपने गिरेबान और रहने की सबसे अच्छी जगह अपनी औकात। दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर वो तुम में नहीं तो कहीं भी नहीं। एक रिश्ते की मौत तब होती है जब इंसान किसी की जिंदगी में तो होता है मगर दिल में नहीं। उनके साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, पर उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिनकी नीयत खराब हो। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो उन चीजों पर ध्यान दे जो आपके पास है, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके कमों में वही लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, पर एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। यदि आपके चंद बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। यदि आप खाते वक्त उतना ही प्लेट में ले कि कुछ व्यर्थ ना जाए तो यह भी अन्नदान है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते हैं लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिलों को सोच कर तोड़ा करो। दो ही चीजें ऐसी है जिनमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक तो मुस्कराहट और दूसरी दुआ, हमेशा इन्हें बांटते रहना। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी काप में मत मिलाओ, तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। बेटे को इतना पढ़ाओ कि दहेज मांगने की जरूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े। किसी के ईमान का अंदाजा उसके वादों से लगा। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है,
जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।